हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र एंड वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी भोपाल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके एग्ज़ाम कब होने हैं, कैसे होने और आपका नेक्स्ट एकेडमिक ईयर कैसे रहेगा। ये सब बात बिल्कुल पता चल गई है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो UGC है, UGC ने आपका पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो है उसको रिलीज़ कर दिया, एकेडमिक कैलेंडर को, और उसके अनुसार ये है एकेडमिक कैलेंडर आपका रिलीज़ कर दिया UGC ने। और UGC ने बताया कि आपका जो, अगर आपके सेमेस्टर क्लाइज हैं तो आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो आपका जो स्टार्ट ऑफ इवन सेमेस्टर है वो 1/1/2020 से था, और सस्पेंशन ऑफ क्लासेस 16/3/2020 होगा। तो फिर इसमें आपका जो कंटिन्यूशन जो होगा 16/3 से 31/5, मतलब मई तक आपका ये ई लर्निंग, मोबाइल ऐप वगैरह वगैरह से आपका स्टडी कराई जाएगी। इसके बाद प्रोजेक्ट कार, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, ई लैब, जितने भी आपके इंटरनल असेसमेंट वगैरह हैं सबको 1 जून, मतलब 1/6 से 15/6 तक ले लिया जाएगा। मतलब 1 जून से आपका 15 जून तक ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन ही होगा, सभी ये सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी। और इसके बाद आपका सेमेस्टर वैकेशन आ जाएगा 16/6 से 30/6 तक, मीन्स आपका 16 जून से 30 जून तक आपका सेमेस्टर में वैकेशन चलेगा। इसके बाद आपका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होंगे सेमेस्टर और ईयर वाइज वो ये हैं, 1 जुलाई से 15 जुलाई, और इसके बाद इंटरमीडिएट या सेमेस्टर एग्जाम वो 16 जुलाई से 31 जुलाई होंगे। तो आप इसको समझे जरा क्या सिस्टम है, कि जो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है उनके एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगे, और जो लोग फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में उनके एग्जाम 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होंगे। अब टर्मिनेटम और सेमेस्टर वगैरह है इसका आपको 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, और इंटरमीडिएट का 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। ये आपका टोटल ईयर का कैलकुलेशन। अब यूनिवर्सिटी को ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। अब इसके बाद ये आपका मतलब ये था कि एग्ज़ाम जो आपके होंगे फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई को होंगे, और इसके बाद जो आपके जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उनके एग्ज़ाम 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में होंगे। आपको जनरल प्रमोशन नहीं दे दिया जाएगा। ये चीज़ पर जब बाकायदा ध्यान रखा जाए, जो जनरल प्रमोशन का सोच रहे थे कि नहीं भैया जनरल प्रमोशन मिलना है तो अच्छा रहेगा, तो भैया फ्री में आप पास नहीं हो पाओगे। तो फाइनल एग्जाम फाइनल और फाइनल सेमेस्टर का समझ ही गए आप। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगर फिर भी कोरोना या COVID-19 जो भी वहां पे जो भी सिचुएशन बनती है, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर आपको जो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और प्रमोट कैसे कर दिया जाएगा, जो आपकी पिछली जो परफॉर्मेंस थी वो, तो उसके 50% आपके एग्जाम के हिसाब से और 50% आपके इंटरनल के हिसाब से आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार भैया आपने हमारे साथ ही गलत हुआ, हमारे मार्क्स कम आए, तो वो अगले सेमेस्टर या अगले ईयर में एग्जाम देकर वो अपने ग्रेड सुधार सकता है। ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी जो भी यूनिवर्सिटी है वो। अब इसके बाद हम आते हैं नए जो एडमिशन प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा। तो आपको बता दें, जो सेकेंड और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा नया सेशन, और जो फ्रेश बैच रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का उनका 1 सितंबर से स्टार्ट रहेगा। आपके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे वो 1 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 को होंगे इसमें, और जो इवन सेमेस्टर है वो 27 जनवरी 2021 तक होगा। इसके बाद क्लासेस वगैरह हैं जो 25 मई तक चलेंगी। फिर इसके बाद आपका फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 26 मई से 26 जून तक। इसके बाद आपका सेमेस्टर वेकेशन लगेगा 1 जुलाई से 30 जुलाई 2021 तक, और इसके बाद नेक्स्ट एकेडमिक सेशन आएगा आपका 2/8/2021, मतलब आपका नेक्स्ट जो एकेडमिक सेशन रहेगा वो 2/8/2021 रहेगा आगे। और अभी आपका जो एकेडमिक सेशन है वो है आपका 1/8/2020, जो पुराने बच्चे और नए बच्चे उनका 1 सितंबर से रहेगा। ये अपडेट आई है साथ में इसी के साथ। अब इस चीज़ों में ये है कि अगर मान लीजिए सपोज करें
जैसा एक पूरा एक गवर्नमेंट ने ये जो यूजीसी ने बता दिया है कि ऐसा ऐसा होना है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो अपने फैसले लेने में स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी इसमें कोई चेंज कर सकती हैं, उनको जो लगेगा वो चेंज इसमें कर सकती हैं। अब इसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि जो जनरल प्रमोशन और एग्ज़ाम का क्या सिस्टम है। अगर भैया सब कुछ सही रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, लॉकडाउन खुल गया, बीमारी घट गई, महामारी ख़त्म हो गई, तो आपका एग्ज़ाम जो होंगे फाइनल ईयर वालों के वो 1 जुलाई से 15 जुलाई होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है या जो भी आगे पीछे अगर एग्जाम की डेट होगी तो आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा, 10 दिन पहले आपको पता जरूर चल जाएगा। और अगर इसके बाद जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाले हैं उनका एग्जाम जो होगा वो 16 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में, और इसके बाद जुलाई के जो मतलब अगस्त के इसमें एंड में आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा फाइनल ईयर वालों को। और हाँ, अब इसमें आपको एक और चीज़ बताते हैं, जनरल प्रमोशन की कंडीशन बढ़ेगी सिर्फ सेकंड ईयर और आपके फर्स्ट ईयर वालों को। अब जैसे जो फर्स्ट ईयर वाले उनके तो कई पेपर हुए नहीं तो उनको जनरल प्रमोशन कैसे मिलेगा, तो उनके जो इंटरनल हुए थे अभी जैसे मिड सेम होते हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम होते हैं, तो उनके हिसाब से उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो सेकंड ईयर वाले उनको फर्स्ट ईयर के बेसिस पे प्रमोट कर दिया जाएगा उनके इंटरनल और उनके एग्जाम के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें यूजीसी ने बताई हुई हैं, ये सब चीज़ें अभी बात हुई है। अब देखना यह कि ये तो कॉलेजेस की बात, अब स्कूल्स में क्या हो रहा है। अभी स्कूल्स में वैसे भी 7 जून तक हॉलीडे डिक्लेयर है, इसके बाद से ऑब्वियसली बात है अभी 16 जून या फिर इसके बाद हो सकता है जुलाई 1 जुलाई से ही स्कूल वहाँ पर भी ओपन हो। अगर महामारी रही तो वो डिपेंड करेगा कि अगस्त से होंगे या जो भी है, मतलब वो तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपको नोटिफाई करती रहेगी। तो किसी भी फेक न्यूज़ में ना पढ़ें, जो एक वेरीफाइड न्यूज़ है वहीं जाएं। कोई फेक न्यूज़ स्कूल एग्जाम को लेके कोई फेक न्यूज़ फैला रहे हैं बहुत सारे लोग, तो फेक न्यूज़ पर नहीं जाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें फेक हो रही हैं तो आप उनमें ना जाएं, क्योंकि फालतू में मतलब नहीं है स्टूडेंट की लाइफ से खेलना। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोगों को पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। और अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी करना तो प्लीज़ पढ़ाई करना ना छोड़ें, क्योंकि जनरल प्रमोशन के भरोसे नहीं रहें, आगे पेपर एग्जाम ज़रूर होंगे और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, ताकि किसी को इस चीज़ का नुकसान नहीं रहे। तो आप प्लीज़ ये ना सोचें कि नहीं भैया मेरा तो जनरल प्रमोशन से हो जाए, ये हो जाए वो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को वाकई में पसंद करते हैं जस्ट शेयर जरूर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ना पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।